नमस्कार दोस्तों, सुमित भारद्वाज क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम साइकोलॉजी का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। जितनी भी विधियां हैं या संप्रदाय हैं तो उनको हम एक एक करके सभी को कंप्लीट कर देंगे। तो पहले आज हम देखते हैं, सबसे पहला हमारा मनोवैज्ञानिक का जो संप्रदाय आता है, संरचनावाद। आज संरचनावाद को देखते हैं। देखो, संरचनावाद को हम एक दूसरे नाम से और जानते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ अस्तित्ववाद। किस नाम से? अस्तित्ववाद। ठीक है, तो सबसे पहले तो यही आता है कि संरचनावाद को हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं? अस्तित्ववाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो, संरचनावाद का जो समय था यह कब का तो था, यह 1892 ईस्वी का समय था। ठीक है, अब देखो, संरचनावाद की जो स्थापना है यह किसने की? इसकी स्थापना विलियम वुंट ने की। किसने की? विलियम वुंट ने की। अब बात आती है, जो विलियम वुंट थे ये कहाँ के थे? यह जर्मनी के थे। ठीक है, और जो वुंट का समय काल है, वुंट का समय कब से कब तक है? 1832 से लेकर 1920 तक वुंट का समय। फिर बता देता हूँ, संरचनावाद का समय 1892 ईस्वी में, इसकी स्थापना किसने की? विलियम वुंट ने की। विलियम वुंट जो है वह कहाँ के रहने वाले निवासी थे? जर्मनी के थे। और वुंट का जो समय है वह कब का है? 1832 से लेकर 1920 तक इसका समय है। ठीक है, अब बात आती है कि संरचनावाद को और किस नाम से जाना जाता था। संरचनावाद को हम बोल सकते हैं यह संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय है। क्या है? एक तो हम इसको बोलते थे प्राचीन संप्रदाय, प्राचीन संप्रदाय, या फिर मैं कहना चाहूं कि इसको हम पहले संप्रदाय के नाम से भी जानते थे, पहले संप्रदाय के नाम से भी जानते थे। नाम से जाना जाता है संरचनावाद को, या फिर इसका बोले तो हम अस्तित्ववाद, इसको प्राचीन संप्रदाय भी कहते हैं, या फिर हम कहना चाहें तो पहले संप्रदाय के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब बात आती है, वुंट का एक शिष्य था, वुंट का शिष्य था कौन सा था? टीचनर। वुंट का शिष्य कौन था? टीचनर था। ठीक है, तो टीचनर ने क्या किया, जो संरचनावाद इनका संप्रदाय था इसको आगे बढ़ाया। क्या किया टीचनर ने? इसको आगे बढ़ाया, इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। तो ये बात याद रखनी है कि संरचनावाद को संप्रदाय को किसने आगे बढ़ाया? टीचनर ने बढ़ाया। टीचनर क्या था? वुंट का शिष्य था। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहना चाहूँ तो ये भी बोल सकता हूँ कि वुंट ने तो क्या किया कि जो संरचनावाद है इसके विकास की जो पृष्ठभूमि है वह तैयार की थी, संरचनावाद के विकास की पृष्ठभूमि तैयार की थी, भूमि तैयार की, और टीचनर ने, वुंट ने तो संरचनावाद के विकास की पृष्ठभूमि तैयार की, और टीचनर ने क्या किया इसे औपचारिक रूप से किसने दिया? टीचनर ने दिया। ठीक है, और औपचारिक रूप से टीचनर ने दिया इसे। ठीक है, औपचारिक रूप किसने दिया? औपचारिक रूप टीचनर ने दिया, और जो विकास की पृष्ठभूमि थी इसको तैयार किसने किया? वुंट ने किया। ठीक है, क्लियर यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अब तक चार बातें बताई मैंने। क्या बताया? कि जो संरचनावाद की स्थापना है विलियम वुंट ने की,
कब 1892 ईस्वी में यह संप्रदाय प्राचीन संप्रदाय या पहले संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। वुंड का शिष्य क्या था? टीचनर। टीचनर ने इस संप्रदाय को आगे बढ़ाया। और जो क्या इसके विकास की पृष्ठभूमि है वो तो किसने तैयार की? वुंड ने की, और इसके शिष्य टीचनर ने इसे औपचारिक रूप दिया। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो, नंबर पॉइंट आता है 5। भाई जो यह संप्रदाय है किस पर बल देता है? बल यह संप्रदाय जो है अंत निरीक्षण विधि पर बल देता है। किस पर? अंत निरीक्षण विधि पर। अंत निरीक्षण विधि पर बल देता है। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई बल पूछे तो बता सकते हो कि अंत निरीक्षण विधि पर यह संप्रदाय बल देता है। ठीक है, या फिर मैं ये बोलना चाहूँ कि यह संप्रदाय जो है वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर भी बल देता है। दूसरा बोल सकते हैं हम, वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग पर भी बल देता है, के उपयोग पर भी बल देता है। ठीक है, क्लियर? नंबर 6 पर आता है कि इन्होंने माना कि जो मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वह क्या है? चेतना है। इन्होंने क्या माना, या फिर ये बोल सकता हूं मैं कि इनके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? विषय वस्तु क्या है? चेतना है। ठीक है, और चेतना के 3 तत्व हैं। कौन कौन से? देखो, पहला है संवेदना, ठीक है, दूसरा है भाव, और तीसरा है प्रतीक, या फिर मैं दूसरा नाम लेना चाहूं तो इसका प्रतिबिंब। ठीक है, फिर बता देता हूं, इनके अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है? चेतना है। तो चेतना के 3 तत्व हैं कौन कौन से? संवेदना, भाव, प्रतीक या प्रतिबिंब। क्लियर है? तो इनका मानना था कि जो ज्ञान है इनके अनुसार वह क्या है? विद्यमान और विश्वसनीय है। ज्ञान क्या है? विद्यमान और विश्वसनीय है, और इन दोनों को प्राप्त करना ही, इन दोनों को प्राप्त करना ही क्या है? अधिगम है। फिर देख लो क्या बोला मैंने, इनका मानना था कि जो ज्ञान है वह विद्यमान और विश्वसनीय है, और इन दोनों को प्राप्त करना ही क्या है? अधिगम है। क्लियर है? अब देखो, इसकी यह विचारा देखते हुए, इनकी यह विचारधारा देखते हुए, विचारधारा देखते हुए मनोविज्ञान में संरचनावाद नाम दिया गया। इनकी यह विचारा देखते हुए, विचारधारा देखते हुए मनोविज्ञान में इसका नाम क्या दिया गया? इसका नाम संरचनावाद, संरचनावाद। ठीक है, संरचनावाद नाम दिया गया। क्लियर? यह आपके संरचनावाद का टॉपिक था। फिर मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ कि संरचनावाद को हम अस्तित्ववाद भी बोलते हैं। 1892 ईस्वी में इसकी स्थापना किसने की? विलियम वुंट ने की। कब की? 1892 में पता चल गया आपको। वुंट का समय क्या था? 1832 से लेकर 1920 तक। इस संप्रदाय के हम प्राचीन संप्रदाय भी बोलते हैं, पहला संप्रदाय भी बोलते हैं। ठीक है, तो वुंट का एक शिष्य था, उसका नाम था टीचनर। ठीक है, टीचनर ने जो ये संप्रदाय था इसको आगे बढ़ाया। क्लियर है? और इन इन्होंने माना कि जो
मनोविज्ञान की विषय वस्तु है वह क्या है? चेतना है। और चेतना के तीन तत्व हैं कौन कौन से? संवेदना, भाव और प्रतीक। और इनके अनुसार मानना है कि ज्ञान भी क्या है? विद्यमान और विश्वसनीय है। अगर इस ज्ञान को, विद्यमान और विश्वसनीय को अगर कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है, या प्राप्त करना ही क्या माना इन्होंने? अधिगम है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, वुंट ने संरचनावाद का जो विकास पृष्ठ विकास है वह एक रूप से तैयार किया। और इसके शिष्य टीचनर ने क्या किया कि इसको, संरचनावाद को एक औपचारिक रूप से, एक औपचारिक रूप दिया, ठीक है। जो यह पद्धति है यह अंतर्निरीक्षण विधि पर बल देती है। किस विधि पर बल देती है? अंतर्निरीक्षण विधि पर बल देती है। या फिर मैं कहना चाहूँ कि जो वैज्ञानिक पद्धति है उस पर उपयोग करके, ठीक है, तो उस पर बल देती है। तो ये संरचनावाद था। इसी तरह हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे प्रक्रियावाद, गेस्टालवाद, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद, साचार्यवाद, प्रयोजनवाद, इन सभी को हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी।